हे फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग है जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि साई राम का आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या सलाह है जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से बड़े होते हैं ईश्वर। उन समस्याओं से बड़े होते हैं ईश्वर, जिनके पास सभी का सॉल्यूशन होता है। आपको क्या करना है? आपको इन सभी कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करना है एंड उस कार्ड में आपको पता चलेगा कि आपको डिवाइन, साईं बाबा जी, यूनिवर्स या फिर जिस भी सुपर पावर में, जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, वो आपको क्या कहना चाहती है, क्या डायरेक्शन देना चाहती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी से ये रेजोनेट करे। एंड वो लोग जो इंट्यूटिवली एक कार्ड नहीं चूज़ कर पा रहे, वो पूरी रीडिंग चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। एंड जिनका अट्रैक्शन एक से ज़्यादा कार्ड्स में जा रहा है, वो सब उन कार्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ओम साई राम। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, साई राम आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ना जो भी कुछ हो रहा है, ये मास्टर्स की विल से हो रहा है। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, उसी सुप्रीम पावर की इच्छा से हो रहा है। एंड इसका मकसद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, आपको कुछ ना कुछ समझाना है, आपको पहले से मैच्योर बनाना है, आपको पहले से इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो आप घबराइए मत। जब आपके मास्टर की विल से आपके लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तो सुख हो चाहे दुख हो, चेहरे पे एक स्माइल रखिए, डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए एंड हर फेस को हंस के बिता लीजिए। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, वाउज एंड प्रोमिसेस। आपके कुछ प्रोमिसेस आपकी फैमिली को लेकर हो सकते हैं, कुछ प्रोमिसेस या फिर कुछ मन्नतें डिवाइन को लेकर हो सकती हैं, माता रानी की हो सकती हैं, कोई जगराता आपने सुखा हो, कोई कीर्तन आपने सुखा हो या फिर किसी भी तरह की कोई मन्नत मांगी हो कि ऐसा होगा तो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, माथा टेकेंगे। और अगर नहीं याद कि क्या मन्नत थी, तो जाइए अपने कुल गुरु को, अपनी कुल देवी को जाके प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। पूजा अर्चना रिद्धि सिद्धि सबके अनुसार, जो भी आपके मतलब रीति रिवाज होते हैं, सबके अनुसार वहाँ पे पूजा कीजिए सच्चे मन से। आपके वाउज एंड प्रोमिसेस जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे एंड आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। राइट, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, 3 सीज। आपके लाइफ में मुश्किल दौर तो डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है? हर एक मुश्किल दौर में एक बात होती है कि उस टाइम कोई ना कोई अच्छाई का गेट खुला होता है। तो जो रास्ता अभी ओपन है उस पर चलना शुरू कीजिए। जो डोर अभी क्लोज है, जो सिचुएशन अभी इम्प्रूव नहीं हो रही, ये कुछ रिलेशन्स हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती है, कुछ फाइनेंस के मैटर्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को कट, क्लियर और कैंसिल करो। और सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को कट, क्लियर और कैंसिल करो, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। ठीक है, जिन्होंने 4 नंबर कार्ड चूज़ किया है, द 3 मैजिक्स। आपको 3 मैजिक्स करने हैं और वो 3 मैजिक्स क्या हैं? कि अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। तो आपके लाइफ में जो भी वापस आएगा वो अच्छा ही आएगा, बिलीव करिए इस बात का। जिन्होंने कार्ड नंबर 5 चूज़ किया है, सरेंडर। अगर आपके लाख एफर्ट्स लगाने पर भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया तब भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो डिवाइन को सरेंडर कर दो और डिवाइन को बोलो कि जो मेरी लाइफ में अब मेरे लिए अच्छा है ना, मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है, जो अब मेरे लिए अच्छा है वो मेरी लाइफ में भेजो, और जो नहीं अच्छा है, मुझे अब ये पेन और ये दुख और नहीं सहना और नहीं झेलना, मुझे इससे फ्री कर दो। जो नहीं है मेरी लाइफ में, जो नहीं है मेरी किस्मत में, उसको हमेशा के लिए मेरी लाइफ से हटा दो, और जो मेरी लाइफ में है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो मुझे दो, मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है। तो आपको क्या करना है? ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। वेरी गुड, ओम साई राम।
कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जिनको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट कर रही है, शिव शक्ति जिन्होंने कार्ड नंबर 6 चूज़ किया है, आप में से कई लोग सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आपको मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है, ठीक है? तो अपनी लाइफ में सभी सिचुएशंस को बैलेंस करना है, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बिना घबराए हुए लाइफ में तरक्की की ओर आगे बढ़ें। एंड अगर बॉटम से मैं कार्ड निकालूँ तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मैग्नेट बन सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहे हैं, राइट? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओम साई राम। एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसके डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। टेक केयर।